नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। भीषण सड़क हादसे में बाइक बोलेरो के उड़े पर खच्चे, बाइक सवार की दर्दनाक मौत। बलिया जिले में अंधी गति से दौड़ रहे वाहन लोगों की जान ले रहे हैं। इसी बीच गढ़वार मार्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बेकाबू बोलेरो ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर पेड़ से टकरा कर पलट गई। बोलेरो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका छोटा भाई और बोलेरो चालक की स्थिति गंभीर है। घायलों का उपचार सदर अस्पताल में जारी है। सोनाड़ी के पास सुबह 10:30 बजे के करीब आप वीडियो देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ है, जिससे बाइक पर बोलेरो चढ़ी हुई है। नजर आ रही है किसी का भी रोंगटे खड़ा करने के लिए यह सीन काफ़ी है। न जाने कब लोग जागेंगे, आखिर कब रुकेगी रफ्तार की कहर। बताया जा रहा है कि नगरा थाना गुठाई निवासी दुर्गेश यादव 17 अपने भाई आदित्य 12 के साथ बाइक से बछईपुर दवा लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान सोनाड़ी प्राथमिक विद्यालय के समीप गढ़वार की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो बाइक को जोरदार टक्कर मारी और नियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर पलट गई। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बोलेरो और बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार दुर्गेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो चालक परशुराम निवासी लाल बहादुर सिंह को भी गंभीर चोटें आई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे नगरा थाना प्रभारी मायापति पांडे अपने हमराइयों के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज वह घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति से दोनों को रेफर कर दिया। आदित्य के परिजन उसे उपचार के लिए मऊ लेकर चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद। Thank you.